हाँ जी बेटा जी, आपने कल दी क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया सीगा व्हाट इज सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्कस कर लिया सीगा, जिदे अंदर आपने शेप एंड वी कैन से इज टाइप्स ऑफ द सेल्स डिस्कस किया, शेप ऑफ द सेल डिस्कस किया, उस तो बाद नंबर ऑफ द सेल लास्ट क्लास के अंदर आप डिस्कस कर लिया। फिर आपने सेल नू जदों डिवाइड किया तो आपने क्या सीगा कि प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल्स, दो तरह के सेल्स ने अपने को, ऑर्गेनिजम्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल्स आर ऑफ टू टाइप, प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। फिर मैं प्रोक्रियोट्स का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर कराता सीगा, एक मैं तुहानू होमवर्क दिता सीगा डिफरेंशिएट बिटवीन यूनीसेलुलर एंड मल्टी सैलुलर। मैं दोबारा दस रही हूँ वट आर द डिफरेंसिज बिटवीन यूनीसेलुलर एंड मल्टी सैलुलर, दैन वी विल मूव ऑन टू द यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, हुण अपने को फस्ट आया जिहड़े यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने उन्हां दी बॉडीज मेड अप ऑफ वन सैल ओनली, मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम बॉडीज मेड अप ऑफ मोर दैन वन सैल। ठीक है, यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नो डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन इज देयर। फिर अपने को आ गया लाइफ स्पैन, यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम इक्को ही सैल है, मान लो अमीबा है ना, बेचारा इधर उधर जा रहा है किसी चीज़ नाल स्ट्राइक किया, दैन ऑर्गेनिजम द सैल खत्म तो बॉडी भी खत्म, मतलब उन्हों का लाइफ स्पैन इज लैसर। मल्टी सैलुलर के अंदर लाइफ स्पैन इज ग्रेटर या लार्ज लाइफ स्पैन और लॉन्ग लाइफ स्पैन इज देयर। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिख दो लास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे यूनीसेलुलर के अंदर अमीबा आ गया, मल्टी सैलुलर के अंदर प्लांट्स लिख दो, ह्यूमन्स लिख दो, फंजाई लिख दो, दे ऑल आर मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स। एम आई ओके विद दैट? हुन अपन नेक्स्ट स्टार्ट करांगे बेटे यूक्रियोटिक सेल। पहले मैं सेल की डिस्क्रिप्शन दूंगी, फिर अपन जिमें कली कली ऑर्गेनल कला कला सैपरेट करके पढ़ांगे। ठीक है, वी विल स्टडी ऑल द ऑर्गेनल्स सैपरेटली। फर्स्ट वी हैव इज द यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोटिक सेल की डेफिनेशन मैं कल ही देती सी, यू दे अंदर यू मीनस ट्रू एंड कैरियोट मीनस न्यूक्लीअस, वो सैल्स जिन्हों के अंदर ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूक्लीअस, ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूक्लीअस मीनस न्यूक्लीअस इज बाउंड बाय अ मैमब्रेन। जदों न्यूक्लीअस किसी मैमब्रेन के द्वारा बाउंड है, गाइडेड है बाय द मैमब्रेन, दैट इज नोन एज द ट्रू फॉर्म ऑफ द न्यूक्लीअस। एंड मोर ओवर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने इन्हों के अंदर होर की होंगे बेटे, इन्हों की बॉडी के अंदर मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। अगर मैं इतने यूकैरियोट्स नू डिफाइन करा तो दीज आर द सेल्स विच हैव या हू हैव ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस मीन्स द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, दे ऑल आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स की ने यूक्रियोटिक सेल्स ने, द टाइप ऑफ द सेल्स आर यूक्रियोटिक सेल। नाल नाल नहीं लिखना बेटे, जस्ट लिसन टू मी, यू विल इंजॉय द क्लास। ठीक है, देखो जो भी आप लैक्चर सुन रहे हैं ना, देखो बायोलॉजी के अंदर की होंगे, जो तुम वीडियो देख रहे हो या तुम मैं लाइव सुन रहे हो, दोनों कंडीशन के अंदर की है, जस्ट लिसन। स्टोरी है, स्टोरी सुना रही हूँ, सुनो उन्हों समझो। ताई कहते ना बायो च बच्चे रट्टा मारना शुरू कर देंगे, क्रैमिंग थोड़ी ना करनी है, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसैप्ट दैन पॉज कर लो। जे लाइव क्लास चो तो मैं दोबारा पूछ लो, रट्टा नहीं मारना, जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर तुम आपे थोनू आपे पता चलना शुरू हो जूगा कि सैल यूनीसेलुलर है, कि मल्टी सैलुलर है, कौन प्रोक्रियोट है, कौन यूकैरियोट है। क्लियर है, क्रैम नहीं करना। जो भी आप दो चीज़ा कर रहे होंगे अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, मैं लिख रही हूँ मैं बोल रही हूँ नाल नाल डाइवर्ट, जस्ट लिसन टू मी, आई विल गिव यू द टाइम टू राइट। करो, लिख लो, आराम नाल वीडियो देखो, इंजॉय करो, लिखो। ठीक है, ओके, जस्ट लिसन टू मी। तो यूक्रियोटिक सेल की डेफिनेशन पता चल गई। हूँ देखो, हूँ मैं एक यूक्रियोटिक सेल ना ड्रॉ करती हाँ, जिहड़े यूक्रियोटिक सेल ने ये आप प्लांट सेल भी पढ़ते हैं, एनीमल सेल भी पढ़ते हैं, बट मैं जनरली
एक अहिजा सेल बनाऊंगी जिदे अंदर सेल वॉल भी बना दांगे, क्योंकि मैं थोनू प्लांट भी समझाना है, एनिमल भी समझाना है, है ना। तो आप एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो सब तो बाहर की होंगे, मैं कल की दस्या सी सेल के अंदर अपन तीन चीज़ा चाहिए ने, सेल एनवेल, साइटोप्लाजम एंड जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, हुन अपने को सब तो बाहर अगर वो एक यूक्रियोटिक सेल है तो ये बाहर एक सेल एनवेल प्रेजेंट है, ये को दो ही चीज़ा होंदिया ने, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर वो प्लांट सेल है तो वो को सेल वॉल होगी, अगर वो एनिमल सेल है तो वो को सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आपने लिखा भी ये मान लो प्लांट सेल है तो ये को सेल वॉल प्रेजेंट है, आ दूसरे नंबर पर आया सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, हुन आ जाओ नीचे विच आ जाओ सेल दे, सेल दे विच की प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म, बट जिहड़ा यूक्रियोटिक सेल है ना ये साइटोप्लाज्म दे अंदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होनगियां। ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, लाइक दिस इज मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज राइबोसोम। ठीक है, दिस इज हुन थर्ड साइटोप्लाज्म दे अंदर की प्रेजेंट होंगे, थर्ड पार्ट केड़ा होंगे सेल दी स्ट्रक्चर दा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे अंदर की प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस दे बाहर प्रेजेंट होंगे गॉल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ते दे नाल एक एवें दी स्ट्रक्चर होर प्रेजेंट होंगे उन्हों की कहें गॉल्जी बॉडी, पढ़े हुए हैं ना सब ने स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हुन अपन ये पता चल गया ना कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब स्ट्रक्चर्स ने जड़ियाँ वो प्रेजेंट, हुन अपना आप इनू लेबल किया दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वो अंदर मैं न्यूक्लियस नहीं लिख सकती क्योंकि वो न्यूक्लियस है ही नहीं, वो को है जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है। हूँ अगर आप सिंपलीफाइड डिफरेंसिस करिए बिटवीन द प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल, कर दोगे सारे की डिफरेंस आएंगे बिटवीन द प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल। देखो प्रोक्रियोटिक सेल है जिहड़ा उहदे कोल ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, यूक्रियोटिक सेल दे अंदर ट्रू फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, प्रोक्रियोटिक सेल दे अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट, यूक्रियोट दे अंदर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, हजे तक तो आप ही बेसिक डिफरेंसिस किए ने ना, तो आप बेसिक जिवें जिवें आप करी जावे उवें उवें तुसीं होर डिफरेंसिस क्रिएट करते रहोंगे। ठीक है, हुण आ एक जनरलाइज्ड डायग्राम आ गई, आ एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन होगी ऑफ द यूक्रियोटिक सेल। ठीक है, हुण आप चलते हाँ, हुण आप इहदा कल्ला कल्ला पार्ट डिस्कस करांगे, तो सब तो फर्स्ट है जिहड़ा जिहड़ा मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूँगी दैट विल बी द सेल मेम्ब्रेन नॉट द सेल वॉल। हुण कई बच्चों के दिमाग च आऊगा कि मैडम ने सेल वॉल क्यों नहीं शुरू किया, सब तो बाद तो सेल वॉल ड्रॉ किया, सेल वॉल शुरू क्यों नहीं कराया। हाँ जी बेटा जी, सेल वॉल क्यों नहीं पढ़ रहे आप फर्स्ट, सेल वॉल प्लांट च प्रेजेंट, आप पहले सारिया वो स्ट्रक्चर्स करांगे जिहड़ियां कॉमन टू प्लांट एंड कॉमन टू एनिमल सेल है, फिर आप जिहड़ियां सिर्फ प्लांट च प्रेजेंट ने वो स्ट्रक्चर्स कर लेंगे दैट इज़ द सेल वॉल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो आप बाद च पढ़ांगे, पहले आप सारिया कॉमन स्ट्रक्चर्स पढ़ांगे विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल। ठीक है, हुन मेरे को देखो सब तो बाहर की आया इका सेल है, दिस इज़ द सेल, एनिमल सेल है, ये सब तो बाहर की प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने इस प्लाज्मा सेल दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कट्टी, मैं इनू इत्थे ड्रॉ करता, माइक्रोस्कोप दे नीचे देख रही हूँ मैं मेम्ब्रेन नू। ठीक है, माइक्रोस्कोप दे नीचे व्हाट आई हैव सीन इज कि जो इस सेल दी मेम्ब्रेन है ना दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स दी बाई लेयर है। ठीक है, मतलब कि मान लो आ मैंने मेम्ब्रेन इतों की कट्टी तो मैनू एवें रखिया आ लाइन सी ना, मैनू इस लाइन में एवें रखता, मैनू माइक्रोस्कोप के नीचे देखिया इस लाइन के अंदर मैनू उपर भी एवें दे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले बेटे, उपर भी आ मैनू नीचे भी कुछ एवें दे स्ट्रक्चर्स ने जेडे वो देखने को मिले। ठीक है, क्लियर, तो दिस इज आही मेम्ब्रेन है, ये अंदर मैं आ चीज़ दिख रही है, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है थोनू,
सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज फॉस्फोलिपिड्स. सेल मेम्ब्रेन इज बाईलेयर. बाईलेयर मतलब फॉस्फोलिपिड दिया दो लेयर्स होंदिया ने, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे प्रेजेंट है. लेयर दे अंदर की प्रेजेंट है, लेयर दे विच विच ना प्रोटीन्स प्रेजेंट ने. प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, आ मान लो लेयर दे अंदर आ प्रोटीन प्रेजेंट है, लो जी. फिर लेयर दे प्रोटीन्स आ गए, आ फॉस्फोलिपिड्स आ गए. अपन ब्लैक पेन नाल ही ड्रॉ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना होए. ठीक है, आ गया. दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाईलेयर जिदे अंदर कुछ प्रोटीन्स छोटे है, कुछ प्रोटीन्स बड़े है. ठीक है, आ इधरों की भी सेम है, उपरों की देखिया नीचों की देखिया. मान लो मैं की कहना चाह रही हूँ बेटे कि मेरे कोल कोई पेपर है, वो मैं उपरों की नीचों की मैं आ स्ट्रक्चर दिख रही है, आ चीज़ है. ठीक है, मान लो एक मैमब्रेन है, देखो कोई भी चीज़ है वो दो साइड्स हमेशा होंगे है ना. आ हैंड है, मान लो आ एक मैमब्रेन है, यदा एक उपर वाला सरफेस है कि नीचे वाला सरफेस है. एक सरफेस है जो सैल मतलब बॉडी के नाल टच कर रहे हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल है कोई सैल, वो बॉडी की तरफ फेस कर रहे हैं. एक वह सरफेस बाहर नू भी तो फेस कर, एक साइटोप्लाजम वाल फेस कर रहे हैं, एक सैल दे बाहर वाली दुनिया नाल फेस कर रहे हैं. ठीक है, और की करते ने है? तो बेटे आपने कोल फॉस्फोलिपिड्स ने मतलब ऊपर वाली लेयर, फिर आ मेरे को होगी नीचे वाली लेयर. ठीक है, आ फॉस्फोलिपिड्स ने फॉस्फेट दा आ हेड एंड टेल फॉस्फोलिपिड्स. दीज आर दिस इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. मैं इतने लिख रही हूँ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. बाई लेयर मतलब दो लेयर्स ने फॉस्फोलिपिड्स दियाँ, विच होर की प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट ने. प्रोटीन्स दो तरह के ने मैमब्रेन के अंदर. प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल प्रोटीन्स और एक्सटर्नल प्रोटीन, या इंटैग्रल प्रोटीन्स और एक्सटर्नल प्रोटीन्स. इंटरनल होंगे ने जो मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स के अंदर दबे पे ने, दीज आर अंदर प्रेजेंट है ना. कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के उपर भी प्रेजेंट होंगे, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल प्रोटीन्स और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स. जो अंदर प्रेजेंट है दिस इज इंट्रेंसिक और इंटरनल प्रोटीन्स. अंदर प्रेजेंट है दिस इज प्रेजेंट अबव, दैट इज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन. एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है. क्लियर है? कुछ प्रोटीन्स वड्डे वड्डे होंगे ने जो कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स च पूरे आ जाते हैं. ए इन्हों प्रोटीन्स नो आप कहने टनल प्रोटीन्स. ए मेम्ब्रेन दे क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर हेल्प करते हैं. मेम्ब्रेन करती की है? मेम्ब्रेन ना सेल नू स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वन, एंड सेकेंड मेम्ब्रेन जो है वो सेल दे अंदर जो भी लिक्विड अंदर बाहर जो सोल्यूशन जो मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आ रहे ने उन्हें मॉलिक्यूल्स दे ट्रांसपोर्टेशन दे अंदर हेल्प करती है. मेम्ब्रेन ही है जो डिसाइड करती है कि ए मॉलिक्यूल अंदर आना चाहिए ए मॉलिक्यूल अंदर नहीं आना चाहिए. तो यह सब तो बेसिक फंक्शन की है. मेम्ब्रेन जो है वो सेल दे अंदर एक सिलेक्टिवली परमीएबल नेचर, इट इज सिलेक्टिवली परमीएबल मतलब इट प्रोवाइड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेक्टिव मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. थोनू पेपर के अंदर क्वेश्चन आया विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल. ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल भी करती है लेकिन सेल वॉल हर चीज़ को अंदर आन दिंदी है, कहती जो मर्जी आई जाओ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन उन्हें रोक दिंदी है कि तू आना है तू नहीं आना, तू रिक्वायर्ड है तू नहीं रिक्वायर्ड है. तो दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमीएबल एंड सेल वॉल है जी दैट इज़ फुली परमीएबल. वो आप उदो दसांगे दोबारा फिर जो आप सेल वॉल डिस्कस करांगे. ठीक है, तो अपने कोल की आ गया बेटे सेल वॉल. सेल वॉल आप लेटर ऑन डिस्कस करांगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर अपने कोल केड़ी आ गई सेल मेम्ब्रेन दी आ गई. तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल दे बाहर चाहे वह प्लांट सेल है चाहे वह एनिमल सेल है वो बाहर एक फ्लैक्सीबल स्ट्रक्चर है. फ्लैक्सीबल क्यों कहा? क्योंकि देखो कोई मॉलिक्यूल नहीं आना है ना,
मान लो मॉलिक्यूल इतों की क्रॉस करके इतने पहुँचूगा, इतने सैल का साइटोप्लाजम प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना? दिमाग एक पिक्चर क्रिएट कर लो कि आ सैल के बाहर मेमब्रेन ड्रॉ की है, अंदर साइटोप्लाजम प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल है उन्हें अंदर आना है, वह इतने आ गया। हुण देखो कोई भी चीज़ है वह किसी चीज़ चो क्रॉस करके अंदर आऊगी तो बाकी मॉलिक्यूल्स उन्हें जगह देंगे ना, तू जा मतलब एक दरवाज़ा खुलूगा, आ दरवाज़ा खुलूगा, ये मॉलिक्यूल अंदर आऊगा, बाकिया थोड़ा थोड़ा इधर कर दूगा। तो मेमब्रेन है ना जिहड़ी, इट हैज़ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब की है कि अपने मॉलिक्यूल नू थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, तू उधर हो जा, तू उधर हो जा, तू उधर हो जा, तू उधर हो जा, ठीक है। इट हैज़ फ्लूइडिटी, दैट इज़ वाई सैल मेमब्रेन के मॉडल नू होर की कहते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल। पेपर के अंदर आ गया केड़े स्ट्रक्चर का जिहड़ा मॉडल है उन्नू फ्लूइड मोजेक कहा जाता है। फ्लूइड मोजेक मतलब तरह तरह के प्रोटीनस है, तरह तरह के फॉस्फोलिपिड्स है ना, फ्लूइड मोजेक एक तरह का जाला बनया पे है, दैट इज़ वाई इट्स अनदर नेम इज फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, तुसी की याद रखना है, सैल मेम्ब्रेन प्लांट सैल है चाहे एनिमल सैल है, वो बाहर सब तो आउटर स्ट्रक्चर नू की कहा जाता है, सैल मेम्ब्रेन। सैल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमीएबल, दैट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सबस्टेंसिस टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द सैल। क्लियर, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। बनी का दी हुई है, इट इज़ द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिदे अंदर होर की प्रेजेंट ने, प्रोटीन्स प्रेजेंट ने। प्रोटीन्स दो तरह के ने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स। क्लियर, आ पॉइंट्स लिखते, सैल का स्ट्रक्चर याद हो गया, सैल का स्ट्रक्चर याद हो गया। हूँ थोड़ा पेपर चाया, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो इट प्रोवाइड्स द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर स्ट्रक्चर टू ए सेल, एंड इट हेल्प्स इन द इन एंड आउट ऑफ द मटीरियल्स, ठीक है, अक्रॉस द सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर किसी ने जाना है तो उन्होंने जान दें, साइटोप्लाज्म चो बाहर आना है तो उन्होंने आन दें, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा जी? तो अपने को सेल मेम्ब्रेन के अंदर की आ गया, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इट हैज़ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटैग्रल एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, हूँ अपने को आया फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, दैट्स ऑल। सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, हूँ आप सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस डिस्कस करांगे, जिन्होंने मैं की क्या, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इतों तक सबनों क्लीयर है बेटे? सारे बच्चे अज का होमवर्क की है, अज मैंने होमवर्क चैक नहीं किया, बट अज का होमवर्क मैं कल ही चैक कर लूँगी। ठीक है, सारे बच्चों ने अज वाली जी डायग्राम है ये ड्रॉ करके आनी है बेटे। ठीक है, यू ऑल हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। थोने की करना है, सेल मेम्ब्रेन, मैं पूरा नोट्स की तरह नोट्स चेक करूँगी, सब ने सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखनी है, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना है, जिहड़े पॉइंट्स मैं दसे डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करन लई, और डायग्राम के पॉइंट्स लिख के फिर फंक्शंस लिखने हैं। जिहड़े बच्चे नूं आ तीन पॉइंट्स आ गए, मतलब वह अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया, थोड़े 5 चो 5 पक्के। जेकर थोड़े कोई MCQs भी आए, तो MCQs ने जिहड़े वह भी थोड़े फाइनल हो गए। ठीक है, तो MCQs के अंदर आ सकता थोनू किवें कि सैल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड किवें दी है, यूनीलेयर है कि बाईलेयर है, दैट इज बाईलेयर। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट और नॉट, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वेदर इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, तो येस इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल ऑल्सो। क्लियर है बेटे? हूँ आप चलते हाँ स्ट्रक्चर तो, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट का मतलब की है, क्योंकि मैं हमने क्या कि मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स नू अलाउ कर दी है, तुसी आ जाओ तुस चले जाओ। जिम्मे अपनी बॉडी के अंदर जनरली देखो सोडियम क्लोराइड आयन्स ने, सैल है ना। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देवा, मान लो तुसी साह लिया है ना, साह लिया, एक जनरल एग्जाम्पल है, सौखी जी एग्जाम्पल है, साह लिया, ऑक्सीजन अंदर आ गया है ना, ऑक्सीजन कितने गया, लंग्स को गया, ऑक्सीजन लंग्स को गया, लंग्स ने ऑक्सीजन ब्लड च भेजता, ब्लड के सराउंडिंग्स च सैल ही तो प्रेजेंट है, इस कैपिलरी के साइड पर की है, वैसल के साइड पर सैल्स प्रेजेंट ने है ना। आ सैल की मेम्ब्रेन है,
आ सेल दे, सेल ने ना अपनी ए सेल्स ने बेचारे भुखे बैठे ने, इन्हों की ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन खत्म की भी होगी, इन्होंने यूज़ कर ली जी पहले आई सी। ताइ आप बार बार साह लें ना, सैल ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे, सैल्स ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली, ये उदास होकर बैठे से सारे, है ना। जिमें ही ऑक्सीजन की एंट्री हुई, इन्हों सिंह चमक गए, है ना, वाओ ऑक्सीजन हैज़ केम, ठीक है। एंड ऑक्सीजन द ट्रांसपोर्ट, इतने मैमब्रेन है, इतने भी मैमब्रेन है, ये भी सैल मैमब्रेन है, ये भी सैल मैमब्रेन है, है ना। हुण ये मॉलिक ये सैल मैमब्रेन डिसाइड करती है भी इनू ऑक्सीजन चाहिए है, फिर तो मैं अंदर आन दूंगी, नहीं तो मैं नहीं आन दूंगी। फिर मैमब्रेन दे जो इतने सिंग चमके तो यह की होगा, ये ऑक्सीजन अंदर आन दिंदी है, दैन द सैल विल बिकम हैप्पी, क्लियर। दिस इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन, कि बॉडी के अंदर जो चीज़ चाहिए। हूँ यह सैल उदास क्यों सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करके बैठा सी। हूँ इन्हें की किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या तू बाहर जा, मैमब्रेन कहती गो कार्बन डाइऑक्साइड गो आउट ऑफ द सैल। ये तो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन, मैमब्रेन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द मटीरियल्स अक्रॉस द सैल इन टू एंड आउट ऑफ द सैल। मैमब्रेन के अंदरों की मटीरियल का सैल के अंदर आना तो सैल चो बाहर जाना, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सैल मैमब्रेन, ठीक है। हूँ अपना आर्टिकल की है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन। दो तरह का ट्रांसपोर्ट होंगे, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, कोई समान है वह सैल नू चाहिए ही चाहिए अंदर, मैमब्रेन कहती मैं आन नहीं दिंदी, मैमब्रेन सेज मैं नहीं आन दिंदी क्योंकि मैं बहुत जोर लगाना पेगा इनू अंदर भेजन च, ठीक है। दैन सैल कहूगा मैं तेनों पैसे दिना, सैल कहता आई विल गिव यू द मनी, दैन मैमब्रेन विल बिकम हैप्पी, मेरा तो कुछ भी नहीं लग रहा ना, ठीक है। जदों सैल नू पैसे खर्चने पैन, वैन एट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन इज बाय द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी, जदों सैल नू कुछ देना पे कि हाँ ये मॉलिक्यूल अंदर लैना ही लैना है, इन्हें अंदर आना ही आना है, वह कहना लै मैं तेनों 100 रुपया दिना तू इन अंदर आन दे। वट इज़ दैट 100 रुपीज़ फॉर ए सैल, वट इज़ दैट 100 रुपीज़ फॉर ए सैल, दैट इज़ ATP एनर्जी करंसी ऑफ द बॉडी, 2000 का नोट है, ठीक है। 5 to 10 minutes ठीक है। ATP एडीनोसिन ट्राईफॉसफेट, हूँ थोड़ा पेपर च एक होर क्वेश्चन आ गया, वट इज़ द एनर्जी करंसी ऑफ द बॉडी, दैन ATP इज़ द एनर्जी करंसी ऑफ द बॉडी। एक ये रिलेटिड होर क्वेश्चन है, वो अगे जाके दसूँगी। बनाई किन्ने किन्ने बनाई, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द सैल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सैल। हो गया MCQ, दो MCQs इतने हो गए अपने, किड़े वट इज़ द एनर्जी करंसी ऑफ द बॉडी ATP, एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ फॉर्म्ड, इन विच ऑर्गेनली ATP इज़ फॉर्म्ड, ठीक है बेटा जी। द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स, किड़े टू टाइप्स हो गए, पैसे खर्चो या ना पैसे खर्चो, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। एक्टिव केड़ा है, जिदे अंदर ATP लगनगे, एक्टिव एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ए मीन्स एक्टिव, ए मीन्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। पी मीन पैसिव, पैसिव मतलब कोई पैसे नहीं, नो पैसे, पी मीन पैसे नो पैसे, ठीक है। रट्टा हो गया, ठीक है, क्रैमिंग होगी इतें ही। द पैसिव मीन्स वेन देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, नो एक्सपेंस ऑफ ATP, that is called as passive transportation. When there is the expense of energy, then that is known as the active transport of energy. ठीक है, हुन अपने को आ जाओ बेटे, जिहड़ा पैसिव है ये अंदर पहले आप डिस्कस करांगे पैसिव, फिर आप डिस्कस करांगे एक्टिव। पैसिव के अंदर दो टाइप्स होंदिया ने, डिफ्यूजन
डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आज आप सिर्फ डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑस्मोसिस थोड़ा लंबा है, इस करके आप सिर्फ डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन की है बेटे, सिंपली डिफ्यूजन है ना जड़ी, वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होंगी है, जड़ी ऑस्मोसिस है ना वो लिविंग ची होंगी है। डिफ्यूजन अक्कर्स इन बोथ नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं नवा परफ्यूम लिया, मैं उन्हों अपनी बॉडी पर स्प्रे किया, मैं क्लास चाई, क्लास के लास्ट जो बच्चा बैठा है वो कहता वाह वाह मैडम ने ये वाला परफ्यूम लगाया हुआ है ना, उन्हें दसता कि ये डीओ है या ये परफ्यूम है। किसी को स्ट्रोंग होंगे ना पता चल जाता, कई शौक होंगे वो बच्चों को पता चल जाता भी हाँ जी आ डीओ है। हूँ मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो इतने ही खड़ी सी, मैंने कोई एनर्जी नहीं लगाई ना, मैंने तो जो लगान च एनर्जी लगाई सी वही एनर्जी है। मॉलिक्यूल अपने आप डिस्पर्स हो गया ना, दैट इज़ डिफ्यूजन। जिवें सपोज कोई प्लांट है, तुसीं उहदे कोल दी लंघे तुहानूं उहदे उत्थों बहुत सोहनी फ्रैगरेंस आई, दैट इज़ डिफ्यूजन। तुसीं एक ड्रॉप ऑफ ऑयल, नॉट ऑयल जिन्हों आपां कहने नील कहने पंजाबी च है ना कपड़ियां ते लगाउण वाला, तुसीं पानी दी बकेट लो, उहदा एक ड्रॉप पानी दे अंदर पा दो, तुसीं पानी नूं हिलाना नहीं हैगा, जे हिलाता तां एनर्जी लग गई, हिलाया नहीं। आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स सारी बकेट के अंदर इको वर्गा कलर हो जूगा, दैट इज़ डिफ्यूजन। सपोज मैं की किया, डिफ्यूजन मीनस मैंने की किया, एक सल्यू एक वाटर का कप लिया या कुछ भी लिया, वाटर का कंटेनर लिया, कंटेनर फुल ऑफ वाटर, मैंने ये अंदर सॉल्ट का की रखता, एक लाइक अ बॉल ऑफ सॉल्ट या कुछ भी है, ठीक है सॉल्ट रखता सॉलिड, मैंने इनू स्टर नहीं करना, जे तो मैं स्टर करता फिर तो मेरा एनर्जी का एक्सपेंस हो गया उत्थे, फिर तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। हुण चाहे सॉल्ट नू डिजॉल्व होने 15 मिनट लगन, चाहे 30 मिनट लगन, चाहे मैनू 30 घंटे लगन, वैदर 30 मिनट्स और 30 आवर्स, ये अपने आप हौली 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 यदि कॉन्सनट्रेशन सारे सल्यूशन के अंदर सेम हो जाए, ये इतों की खुर जे, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज वैन आ मॉलिक्यूल की है स्प्रेड हो गया इन टू इट्स सराउंडिंग्स बाय इट्स ऑन, नॉट बाय एनी अदर्स हेल्प, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अपनी बॉडी के अंदर जी ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है वह भी तो डिफ्यूजन ही है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, लंग्स चो ऑक्सीजन बॉडी चली गई, बॉडी चो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। जेकर अपनी बॉडी आप तो देखो एक मिनट कितनी बारी सह ले लें, अगर मान लो मेरी बॉडी में ATP खर्चने पैंते, फिर तो बॉडी सारा दिन ATP लगाते रहे, तुम खाना खाते सह लेंगे चलो भी खत्म है ना। बट डिफ्यूजन अकर्स सिंपली, बॉडी की एग्जाम्पल दे रही है, बॉडी के अंदर अपन यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है जेड़ा इन टू द लंग्स एंड इन टू द बॉडी बाय द लंग्स, दैट इज सिंपली डिफ्यूजन। क्लियर है, सिंपली डिफ्यूजन। उस तो बाद नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर की है, लाइक जिमें आप कोई भी चीज़ है वह स्प्रे किया, मैंने परफ्यूम स्प्रे किया, थोड़ी देर बाद वो सारे रूम के अंदर स्प्रेड हो गया, दैट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन, नॉट इन द लिविंग सिस्टम। दिस इज द एग्जाम्पल नॉट इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज सिंपली द डिफ्यूजन। क्लीयर है, तो सैकेंड आप करेंगे बेटे ऑस्मोसिस। क्लीयर है, कल कराऊंगी ऑस्मोसिस, अज कराऊंगी फिर थोड़े उपर दी चला जाऊगा। अज थोड़े सब ने घर जाके सैल मैमब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना है, सैल मैमब्रेन के बारे लिखना है, फिर तुसी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन च डिफ्यूजन दियाँ होर एग्जाम्पल्स जो मैं नहीं दसियाँ वो एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करके आनी है। टुमोरो आई लास्क बिफोर द क्लास इन द क्लास दैन वी विल मूव ऑन। कल आप अपना ऑस्मोसिस यानी कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन खत्म कर देंगे, ठीक है, कल सेल मैमब्रेन पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमब्रेन करके, ठीक है।